वहीं नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी वेबसाइट को इंटरव्यू दिया, जिसमें कहा कि G20 के लिए भारत के एजेंडे का पूरी दुनिया में स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि हर कोई जानता है कि हम वैश्विक मुद्दों के समाधान खोजने में मदद करने के लिए अपना सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण लाएंगे। एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 के लिए हमारा आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, जो G20 प्रेसिडेंसी के प्रति भारत के दृष्टिकोण को उपयुक्त रूप से भी दर्शाता है। पीएम ने इसके अलावा कहा कि हमने स्पष्ट और समन्वित दृष्टिकोण के साथ महामारी से लड़ाई लड़ी, हमने गरीबों और कमजोर लोगों की जरूरतों का भी ख्याल रखा है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 8 सितंबर से 10 सितंबर तक दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू होंगी। आम जनता, पुलिस कर्मियों और सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों के लिए ये सुविधा 3 दिनों के लिए जल्दी शुरू की जाएगी। मेट्रो सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू होंगी और 30 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी। सुबह 6 बजे के बाद से ये अपने पुराने निर्धारित समय से ही मेट्रो का परिचालन किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट, पटेल चौक, आरके आश्रम मार्ग स्टेशनों पर पार्किंग 8 सितंबर की सुबह 4 बजे से 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी और इसके अलावा अन्य स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज खंडवा से शुरू हुई, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रा का शुभारंभ किया। इससे पहले नितिन गडकरी ने खंडवा पहुंचकर जन आशीर्वाद यात्रा के रथ का पूजन किया और दादाजी धूनी वाले आश्रम में माथा टेका। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश का भविष्य बदलने और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए आपका आशीर्वाद लेने आई है। गांव, गरीब और किसान का कल्याण करना ही भाजपा सरकार का संकल्प है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।